है, उस लड़की के अंदर इज्जत नफ्स हर इंसान के अंदर होना चाहिए, लेकिन लड़की में बहुत ज्यादा होना चाहिए। बहुत अगर बड़ी बात आपको है सही। रिजेक्शन या अगर आपको कोई वो मिल रही है तो आप दोबारा वापस ना जाएं। मुझे वो लड़कियां बड़ी बुरी लगती हैं जिनको आप मना करें फिर वो दोबारा बाउंस बैक करके आपके पास आ जाती हैं। नहीं, ईगो, एक सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम जरूर होनी चाहिए। खैर, एक तो सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा होना चाहिए, म्यूजिक और आर्ट और लिटरेचर का समझ जरूर होनी चाहिए, इंटेलिजेंट होनी चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जो भी हैं आप, जैसी भी हैं, चाहे आप गांव की हैं या चाहे आप शहर की, जो भी हैं, जस्ट डोंट प्रिटेंड, डोंट बी प्रिटेंशियस, आप जस्ट बी योरसेल्फ, जो अंदर है वैसे। मुझे जो लड़कियां होती हैं ना, जो अपने आप को कुछ और साबित करती हैं जो होती वो नहीं है, वो मुझे बड़ी बुरी लगती हैं। और ढीठ नहीं होना चाहिए लड़कियों को। और बोलते कितना हो, और बहुत ज्यादा चबड़ चबड़ करती है बोलती, लड़कियां अच्छी नहीं लगती। कोई मसला नहीं है, आज ही खराब होना था, नोट किया आपने बात। परी परिस्तान से हमें कोई 25 SMS कर बैठी है आपके लिए। ये परिस्तान में फ्री हुए हैं आजकल, वो कह रही है कि बस परिस्तान से कर रही है ना, फिर वहां से फ्री हुए हैं सारे। जिन छोड़ आपसे गुल उकाड़ा से कह रही है इमरान, कि आप किस तरह हजम करते हैं पॉपुलैरिटी को अपनी, इतने मशहूर हैं आप जो। हाँ, अच्छी बात है वैसे, मतलब किस तरह संभालते हैं, मतलब गुल, मुझे तो मैंने सीरियसली जब से मैं आया हूँ और अभी तक मैंने कभी अपने ऊपर दिमाग पे सवार ही नहीं की। ये जो पॉपुलैरिटी होती है, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं स्टार हूँ या लोग मुझे, मतलब ठीक है, मुझे पता है कि लोग मुझे पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन इसको मैंने अपना हैंडीकैप नहीं बनने दिया कभी भी, इसको मैंने अपनी माजूरी नहीं बनने दिया कि मैं इसकी वजह से अपनी आम चीज़ें छोड़ दूँ, या मैं अभी भी वही हूँ जो ऐसे अंदर से मैं पहले था। और क्योंकि मुझे पता है कि चीज़ कभी ना कभी ख़त्म होनी है, तो फिर मुझे बड़ी मुसीबत हो जाएगी जब ये नहीं होगा मेरे पास। तो मैं अभी तक अपनी स्किन के अंदर बहुत वैसे ही हूँ जैसा मैं था, और आई एम वेरी कंफर्टेबल। अच्छा, हाँ, एक हमारी कॉलर है शबाना, कह रही है कि आपने ये नहीं बताया कि आपको किस रंगत की लड़कियां पसंद हैं। मुझे गंदमी रंगत की लड़कियां, ये वाला देखें फिर सवाल जो लोग करते हैं ना फिर। हेलो, सलाम अलैकुम। हेलो, माशाल्लाह, लोगों को यकीन क्यों नहीं आता कि इमरान अब्बास से बात हो रही है। दिस इज वेरी अमेजिंग फॉर मी। डॉक्टर अमान उकाड़ा से, जिसे इमरान अब्बास, इमरान घड़ी खराब है, आज घड़ी खराब। मैं हमेशा ये बात इंजा करता हूँ कि इमरान की जो नेचुरलिटी है ना, दैट्स ऑन इन द इंटरव्यू। यू आर रियली एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी इन पाक शोबिज, और नहीं जानता ये दुनिया कहती है, लेकिन आपने जो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है हमारे मुल्क में एक्टिंग का और खूबसूरती का, वो कह रहे हैं कि वो अब आता है। कह रहे हैं उम्र, लड़के हैंडसम होते हैं, बट आप खूबसूरती के मामलों में बहुत टॉप पे आते हैं। अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि जब बहुत सारे बड़े एक्टर्स, जिसमें शकील साहब हैं, जो कि बहुत हसीन आदमी समझे जाते हैं अपने अभी भी, जब वो उनसे पूछा गया कि उनका जो काम है, अगर उनको दोबारा रेप्लीकेट किया जाए, उसका रेप्लिका बनेगा तो कौन कर सकेगा, तो उन्होंने मेरा नाम लिया। बाबर अली साहब, जितने भी हमारे टॉप के हीरोज हैं, जब उनसे बात की जाती है तो उनसे कहते हैं कि हमारे बाद अगर कोई कर सकता है तो वो तुम उस लेगेसी को फॉलो करते हो। बिल्कुल ठीक है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि इतने बड़े बड़े नाम और खास तौर पे। हेलो, मोस्ट दोबारा आ गया हूँ। क्या सवाल कर रहे हैं? सवाल 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 जल्दी से बता। अच्छा, एक मिनट सवाल कर रहे हैं, मैं इनसे बता रहा हूँ कि मेरे बुक करना चाहते हैं भावनगर में, इनका ड्रामा था बाढ़, आई थिंक पीटी वहाँ पे कोई सेट लगा था इनका, मतलब वहाँ पे बाढ़ का सेट नहीं लगा था, सेट तो कराची में लगे थे उसके सारे, बाढ़ का कुछ आउटडोर्स हमने जो बॉर्डर पे शूट किया था, हमने बाढ़ नहीं किया था, ओरिजिनल लोकेशन था। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल, मिल चुके हैं, तो मैं बकवास हमारे उनकी बातें नहीं, नहीं कर रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जी हाँ, बहुत जुलूस में आता लोगों को, आप देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, लिसनर्स, आपसे रिक्वेस्ट बार बार कर रहा हूँ कि एक तो एक बार हमें एक दफा कॉल कीजिए, सेकंडली अपनी कॉल खुद ड्रॉप कर दें, बिकॉज हम लोग चाहते हैं, बिकॉज इतने लोग कॉल कर रहे हैं, आपकी सोच है इस वक्त, कॉल कर लूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात करें? नासिर चौहान बात कर रहा हूं। नासिर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और नासिर, आज बात करने आए इमरान अब्बास से, राइट? जी बिल्कुल, तो बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। अस्सलाम वालेकुम नासिर, क्या हाल है? हाँ जी, मैं आपका बहुत बड़ा पंखा हूँ। पंखा, अच्छा। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ
कि आपके मुंह के सामने नहीं है, आपके पीछे भी कहता हूँ कि आप शाहिद कपूर और रणबीर कपूर से भी ज्यादा क्यूट है। अच्छा, ओ थैंक यू, उनको ना सुन ले, अभी मेरे जाने बॉम्बे सितंबर में, मारेंगे पकड़ के मुझे। और आपकी इतने सब लोग फैन है कि हमसे बात नहीं हो रही। थैंक यू नासिर, थैंक यू सो मच। और कोई सवाल नहीं करता। अल्लाह हाफिज़। जो मेरे चाहने वाले उनको तो मैं कुछ कह नहीं है, एक रहमान है, एक अली नकवी है और एक आसमा है, इन लोगों को हाय और लव यू। अच्छा, देखा मेरे मेरे इनडायरेक्टली मेरे जाने वालों को भी इनका सलाम। प्यारे आदमी, देखें अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन बात कर रही हैं? जी जानवर ऐसी बात हो सकती है? आपका नाम क्या है? हेलो जी, नाम क्या है आपका? मैं इमरान बात कर रहा हूँ, नाम क्या है आपका? हेलो हेलो, मेरे ख्याल आवाज इमरान क्या करें, संभालते हो इतनी शोर, थकते नहीं हो? नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। मुझे आप एक बात बताएं कि आप कौन सा सेट यूज कर रहे हैं आजकल? आप कौन सा सेट यूज कर रहे हैं? ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी। आप जब आपके कितने स्पेशल जेली आ जाते होंगे? आपको याद ही होगा पिछली दफा लास्ट टाइम आपने खोला अपना फोन, 800-900 आ गए थे एकदम करके। तो अब कितने आ रहे हैं आजकल? 1000 तो हो गए होंगे। मैंने अपना नंबर नहीं, बहुत बहुत आते हैं, लेकिन देखें प्लीज आपको यहाँ अच्छा अच्छी जगह पे मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि मुझे मैसेजेस ना किया कीजिए, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, फॉरवर्ड मैसेज ना किया कीजिए, क्योंकि मेरा फोन नंबर जब इंटरनेशनल रोमिंग पे होता है तो ये एक एक मैसेज जो होता है, मुझे दो दो तीन तीन डॉलर इनकमिंग पड़ रही होती है, तो ईद बकरीद पे तो मैं कोई हजारों डॉलर मेरे अच्छा सिर्फ आपके मैसेजेस के चक्कर में खर्चा कमाते हो यार? नहीं नहीं, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा हो जाता है, लाखों रुपया बिल आ जाता है जी सिर्फ मैसेजेस और कॉल्स की वजह से, इनकमिंग की वजह से। वालेकुम अस्सलाम जी मुस्कान। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि उन्हें जो नंबर वन एक्टर पठान की हम मानते हैं उनको, लेकिन ये जो मुकाम उन्हें मिला है इसके बाद भी कोई मुकाम है प्रोडक्शन करने और भी बहुत कुछ चाहिए, तो कौन सा मुकाम है जहाँ जाकर ये कहेंगे कि हाँ बस ये मुकाम है जहाँ मैं चाहता था? और सेकंड क्वेश्चन ये है पहला सवाल जो था कि कौन सा मकाम, हाँ मुझे मेरे अंदर ये है कि मुझे लगता है कि एक जगह मेरे अंदर ठहराव नहीं है, अब एक्टिंग मॉडलिंग जब अच्छी तरह कर ली तो एक्टिंग, अब एक्टिंग के बाद मेरा है कि प्रोडक्शन, और फिर देखिए इस तरह आगे से आगे बंदा मतलब ये जो इर्तका होता है या जो एवोल्यूशन होती है यही जिंदगी का नाम भी है, जिंदगी इसी का नाम है, तो आप ठहराओ तो मौत होती है, स्टिल आप जब सुकूत होता है वो मौत होती है, तो मेरा ख्याल है कि आगे बढ़ते रहना चाहिए इसी तरह। और पापा मेरे काम से बहुत खुश हैं, अभी लेटली उन्होंने मुझे, पापा बहुत अच्छे क्रिटिक हैं और बहुत अच्छा क्रिटिक करते हैं, तो अभी उन्होंने लेटली मेरे पहली दफा उन्होंने मुझे कॉमेंट किया कि तुम्हारे काम के अंदर मुझे दिलीप कुमार का रंग नजर आता है, तो मैं मुझे क्योंकि वो बहुत ही कीन ऑब्जर्वर है, तो पापा की पहली दफा मुझे ये जो कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला है तो मुझे बड़ी खुशी हुई। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मुनज़ा कहाँ से? बिल्कुल तो मुनज़ा बात कर रहे हैं, इमरान अब्बास से। अस्सलाम वालेकुम मुनज़ा, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका तो भूल ही गया, हाँ वो तो मिर्ज़ा रे बेनिशां, तो इस वक्त तो मेरा ख्याल है कि इतना पसंद किया गया है कि दुनिया के हर कोने से मुझे उसका रिस्पांस मिला, मैं भी भूल गया था ना, और कहाँ कहाँ से मुझे उसकी लोग वहाँ से मुझे मैसेजेस और कॉल्स नहीं करते उसके लिए, मैं जब बाहर जाता हूँ तो इतना मुझे कॉम्प्लीमेंट्स उसके मिलते हैं कि मजा आ जाता है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन? जी मैं एनी बात कर रही हूँ, इंदर नबा से बात कर सकती हूँ? जी सलाम कीजिए, सलाम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम एनी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? क्या नाम है? मैं हाल है, हाल है। अच्छा जी, मेरा नाम सईदा नूरलैंड है, मुझे कह सकते हैं एनी। आप कहाँ से बात कर रही हैं? एनी।